यूपी के जिला जालौन में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई, जिला पुरुष चिकित्सालय उरई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदी गांव सहित कुल 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आज स्वास्थ्य कर्मियों के लोगों को वैक्सीन दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान जी की उपस्थिति में आज डॉक्टर संजीव गुप्ता को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्या कहा, देखते हैं। देखिए, पूरे जिले में जो है 400 हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीनेशन होना है। 4 हमारे सेंटर हैं, उन 4 सेंटर में हर सेंटर में 100-100 जो है हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाना है। इन हेल्थ वर्कर्स को पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया गया था, इनके SMS वगैरह के माध्यम से कल ही इनको सूचित कर दिया गया था कि ये जो है आज वैक्सीनेशन करा लें। आज उसके बाद ये लोग सुबह आए, इनको जो है टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की, उसके बाद हमारे यहाँ भी पहला वैक्सीन जो है हमारे यहाँ IMA के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लगाया गया है। और अभी तक जो है कई लोगों को वैक्सीन लग चुका है, ऑब्जर्वेशन रूम में वो लोग हैं, और अभी तक जो है ऑब्जर्वेशन रूम से हमें कोई जो है ऐसी बात नहीं आई है। क्या सर, वैक्सीन जितनी रिक्वायरमेंट थी पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई है कि कम आई है वैक्सीन? वैक्सीन पूरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई है। इनफैक्ट वैक्सीन इस प्रकार से आई है कि जो सेकेंड डोज है वो भी इसी बार जो है रख लिया गया है, ताकि अगले बार जो 28 दिन के बाद वैक्सीन लगेगा वो भी सेम वैक्सीन कंपनी को और सेम बैच का। ओके, थैंक यू।